पाव भाजी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं आज स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल समिताज कॉर्नर में। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें एक चम्मच बटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे दो मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और एक जो है शिमला मिर्च कटी हुई इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप बॉयल किए हुए मटर ऐड कर लेंगे और ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो बॉयल किए हुए इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं और इन्हें अच्छे से जो है मिला लेना है। अब सब्जियों को पकने के लिए इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 गिलास पानी, ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से जो हैं वो पक जाएं और इन्हें अच्छे से इस तरह से मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर लें और इसे ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से पकने दें। 10 मिनट के बाद देखिए हमारी सब्जियां बिल्कुल बन के रेडी हैं। अब इन्हें अच्छे से मैश कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड कर लें मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 1 चम्मच बटर इसमें ऐड कर लें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लें और ये 1 चम्मच पाव भाजी मसाला इसमें ऐड कर लें, 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लें और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लें और अच्छे से इन्हें मिला लें और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद इसमें ऐड कर लें 1 नींबू और यानी नींबू का रस और इसे भी अच्छे से मिला लें, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें आप कलर अगर लाना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर लिया है फूड कलर, ये स्किप भी कर सकते हैं आप। तो हमारी भाजी बनके रेडी है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे हम। तो अब चलिए बनाते हैं पाव। पाव बनाने के लिए उसी पैन में आप 1 चम्मच बटर ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेना है। और ये मैंने सबसे पहले 1 पाव लिया है, इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और चारों तरफ हाथों से घुमा लेना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से आपको इसे अच्छे से पकने देना है। तो हमारा पाव देखिए बनके रेडी है और गर्मा गर्म अब हम परोसेंगे। तो रेडी है गर्मा गर्म पाव भाजी, आप इसका आनंद ले सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।